दुर्लभ मानसो जन्म, यू डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज मनी, समय पैसा है, इससे बड़ा पैसा कुछ नहीं। और जो गया वो लौट के आने वाला नहीं है, समय अगर चला गया तो फिर लौट के आने वाला नहीं है। ये समय आज एक दिन चला जाएगा और एक डेढ़ घंटे के बाद, और ये दोबारा 10 जून 2016 वापस नहीं आएगा। चार तो कल भी बजेंगे, 4:30 तो कल भी बजेंगे, 5 तो कल भी बजेंगे, लेकिन नहीं होगा तो मेरे प्यारे 2016 नहीं होगा। दोबारा से 10 जून 2016 रिटर्न नहीं होगी हमारी और आपकी लाइफ में। हम बिना उद्देश्य के कैसे जीवित रह सकते भैया? जीवन का कोई तो उद्देश्य हो। क्या खाना कमाना ही उद्देश्य है? खाना कमाना ये पशुओं का काम है, दो घड़ी न सत्संग किया करता अभिमान है। बीती जाए यों ही तेरी सारी जिंदगानी, माटी में मिले माटी और पानी में पानी। बीती जाए यों ही, बचपन गया, जवानी गई, अब क्या बचा है? जवानी गई, बचपन गया, अब क्या बचा है? बोलो तो सही, जोर से बोलो। और बुढ़ापा किसको पसंद है? बुजुर्ग अवस्था में कंडीशन खराब हो जाती है ना, तो यूं कह सके कि मर जा, हे भगवान जल्दी उठा ले, ये कह नहीं सकते, क्योंकि उठा ले तो लाइफ ही खत्म। और बुढ़ापा बना रहे ये भी नहीं कहते, क्यों? क्योंकि अगर ये कहें बुढ़ापा बना रहे तो ये बुढ़ापे में अच्छे किसी को दिखते नहीं, बोलना अच्छा होता नहीं, सुनना अच्छा होता नहीं, चलना अच्छा होता नहीं, फिरना अच्छा होता नहीं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, वो मेरी नजर में मूर्ख हैं। और जो लोग अपने बचपन का सदुपयोग कर लेते हैं, जवानी का सदुपयोग कर लेते हैं, मेरी नजर में वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। जो लोग अपने बुढ़ापे का इंतजार करते हैं, वो उन्हें पता भी नहीं कि कल जीवन में काल का नाम है। कल किसने देखा है? कौन जाने कल आएगा कि नहीं। उद्देश्य बना लो मानव जीवन में, इस शरीर को विदा कहने से पहले परमात्मा से मिलना है, हरि से मिलना है, कल्याण करना है। खाने का काम तो पशु भी कर लेते हैं, सोने का काम तो पशु भी कर लेते हैं, लेकिन भजन करने का काम ठाकुर जी सिर्फ मानव से ही करवाते हैं। हरि से मिलने का काम ठाकुर जी सिर्फ मानव से ही करवाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बता दो, एक भी पशु आया है यहाँ कथा सुनने? एक भी जानवर आया है? आया है? कौन आए? जोर से बोलो, कौन आए कथा सुनने? जोर से बोलो, ये काम किसका है? क्योंकि आप कर सकते हो, तो क्या सारी अयोध्या आ गई कथा सुनने? आ गई? अरे नहीं आई साहब, मैं देख के आया हूँ, बड़ी बड़ी खिड़कों में लोग बैठे हुए हैं, वहीं भजन कर रहे होते हैं। अच्छी बात, सब नहीं आ सकते, लेकिन जिनको किशोरी जी बुला ले, जिन्हें जानकी मैया बुला ले, वो जरूर आएंगे, जिन्हें राम जी बुला ले वो जरूर आएंगे, जिन्हें भगवान श्री राम स्वयं बुलाते हैं। और हमारे यहाँ पर तो हनुमान चालीसा का पाठ सब लोग करते हैं, बताइए क्या कहा हनुमान जी के लिए? हनुमान जी को सबसे ज्यादा पसंद क्या है बोलो? है? सबसे ज्यादा प्रिय क्या हनुमान जी को? है? राम जी से भी ज्यादा प्रिय हनुमान जी को कुछ? है? प्रभु चरित्र सुने
बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। राम जी जब जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा आप पधारो, हम नहीं जाएंगे आपके साथ, तो क्या करोगे? बोले जब तक पृथ्वी पर आपकी कथाएं होती रहेंगी हम आपकी कथाएं श्रवण करते रहेंगे। हाँ तुम्हारे आतन में तो कमजोरी है ना, तुम पे का ताली बजेंगी। देखो जब तक महाराज जी बैठे थे तब तक मैं मर्यादा में था, पर हाँ जब आप जैसे निकम्मों को ही सुना नहीं हो तो हमें भी थोड़ा, जो यहाँ अयोध्या वासी में उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो बाहर से आए हुए में हमारे जजमान लोग हैं इनको हमारी सुनने की आदत है, इसलिए इनको सुना रहा हूँ। अयोध्या वासी तो आप तो स्वयं भगवान के ही रूप है, आपको तो हम आपसे सीखने आए हैं, सच्ची में बता रहे हैं। आप आइए और आप कैसे श्रोता हैं ये हमको सिखाइए, और जैसे आप श्रोता बनकर हमें दिखाएंगे वो हम जाके दुनिया को बताएंगे कि अयोध्या में हमें ऐसे श्रोता मिले। और देखो कथाकारों का एक ही काम बहुत अच्छा होता है, प्रचार बहुत अच्छा करते हैं, कि जहाँ बैठ जाएं जहाँ की जो प्रशंसा करने लग जाए तो प्रचार ही प्रचार करे, बुराई करे तो भाई की अब राम वृक्ष कथा में नहीं छूटा हमसे, हम क्या करें? इसलिए नहीं छूटा, हम झेल के आ रहे चार पाँच दिन। सावधानी होकर एकदम कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। अवध में हम कथा सुनाने नहीं, अपनी वाणी को पवित्र करने और आप लोगों से बहुत कुछ सीखने। मेरा तो जीवन आज धन्य हो गया महाराज श्री के सानिध्य में कथा करके। जो बाहर से श्रोता आए हैं आपका भी जीवन धन्य हो गया महाराज श्री के सानिध्य में अयोध्या में बैठ कर भगवान की कथा सुनने से। हनुमान जी को क्या प्रिय है मैंने बोला, भगवान की कथा। राम जी के साथ नहीं गए वो, बोलो कितनी विचित्र बात है, भगवान जी को कह दिया आप पधारो हम आपकी कथा सुनेंगे, हम यही रहेंगे, हम आपकी कथा में अपना जीवन धन्य करेंगे। और जहां भी कथा होती है श्री हनुमान जी महाराज जरूर पहुंच जाते हैं, और यहां की तो 100% गारंटी है मेरे प्यारे हनुमान जी यहां बैठे ही है। हनुमान जी हो ही नहीं सकता कि यहाँ नाम आना ही पड़ेगा उनको, और यहाँ पर बैठ कर कथा सुन रहे। ये अलग बात है कि हमारी दृष्टि खराब है इसलिए हम उनका दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन ब्राह्मण की वाणी पर विश्वास कीजिए, आप ऐसे ही कथा नहीं सुन रहे, आप हनुमान जी के साथ बैठ कर कथा सुन रहे, ऐसा पक्का भाव मन में रखिए। देखो भैया एक पंडित जी थे कथा सुना रहे थे मंदिर में, बोले कोई और तो नहीं, हमारे तो जजमान राम जी हैं, हम तो राम जी कथा सुना रहे, राम जी कथा सुना रहे। अब कथा का नियम है जब कथा पूरी हो तो जिजमान दक्षिणा दे तभी होगी, और जिजमान कौन, राम जी। तो राम जी ने कहा हनुमान जी से, हनुमान कल कथा पूरी होगी क्या दक्षिणा दोगे? बोले प्रभु आप जो कहो सो दे देंगे। अब आपके मंदिर में पंडित जी कथा कर रहे हैं तो यज्ञ तो पूरा करना ही है, दक्षिणा जो आप कहे सो हम दे देंगे। बोले भाई इनको इतना दे दो, इनको इतना दे दो, जो आज तक इनको किसी ने इतना दक्षिणा में नहीं दिया होगा था में। बोले महाराज आप चिंता ही मत करो, खूब देंगे इनको, हम खूब देंगे। ठीक, अब हनुमान जी और राम जी की बात हो रही थी, एक सेठ जी ने सुन ली, सेठ जी ने सुन ली, सेठ जी ने जब सुनी तो सेठ जी बोले पंडित जी कल कथा पूरी हो रही हमने सुना। बोले हाँ हो तो रही है। हनुमान जी से राम जी ने जब कहा तो हनुमान जी ने कहा था हम इनको छप्पड़ फाड़ के देंगे। क्या देंगे? जो आपको कथा सुना रहे हैं उनको हम छप्पड़ फाड़ के दक्षिणा देंगे। सेठ जी ने कहा कल आपकी कथा पूरी हो रही है, यहाँ कोई आ तो रहा नहीं है सुनने, तो बोले एक काम करो, हमने अभी नया मकान बनाया, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, कई एकड़ों में है, आप वहां रह लो आज के बाद, वो सब आपका, लेकिन आप अपनी झोंपड़ी हमको दे दो। सेठ जी के दिमाग में था हनुमान जी छप्पड़ फाड़ेंगे तो थोड़ा बहुत तो फटेगा नहीं, छप्पड़ फटेगा वो भी हनुमान जी के द्वारा तो कितना बड़ा फटेगा। सेठ जी हमेशा अपनी नजर में प्रॉफिट और लॉस दोनों सोच के चलते हैं, ये मेरे मकान में कितना 2-4 करोड़ लगा होगा, हनुमान जी जब छप्पड़ फाड़ेंगे तो पूछो ही मत,
दूसरे दिन कथा से पहले ही पहुंच गए, बोले महाराज महल आप ले लो, हमारा मकान जो हमने बनाया झोंपड़ी हमको दे दो। बोले महाराज क्यों मजाक कर रहे हो ब्राह्मण से? बोले नहीं सच कह रहे, लिख के ले लो। ले ली, चले गए। महल हो गया पंडित जी का, कोठी हो गई पंडित जी की, बड़ा व्यवस्थित था, और झोंपड़ी में आके रहने लग गए सेठ जी, और सेठ जी रह रहे हैं उसमें और इंतजार कर रहे हैं छप्पर फटने का, कि छप्पर फटे। घरवाली बाहर भेज दी, वो पागल हो गए हो तुम, अपना सब कुछ दे दिए झोंपड़ी के बदले, किसी को न बताए कि छप्पर फटेगा, किसी को बोला भी नहीं, घर वालों को भी नहीं बोला। बोले तुम जाओ, तुम जाओ, बाद में आना, दो चार दिन बाद आना। तब तक उसे यकीन था कुछ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तीन दिन हो गए, कथा भी पूरी हो गई पर छप्पर नहीं फटा। सेठ जी को बड़ा गुस्सा, और सेठ जी ने मंदिर में जा जाके सर पटकने लगे। बोले या तो प्रकट हो जाओ, नहीं यहीं जान दे दूं। तो राम जी तो प्रकट नहीं हुए। हनुमान जी ने पूछा क्या चक्कर है, क्यों सर पीट रहा है? बोले हमने तो सुना था कि आप लोग भगवान लोग कभी झूठ नहीं बोलते, आप भी झूठ बोलते हो। हनुमान जी होके झूठ बोलते हो, वो राम जी होके झूठ। अरे राम जी ने क्या बोला, हमने क्या बोला, बोलो हमने क्या कहा तुमसे झूठ? बोले आपने कहा था कि पंडित जी को हम छप्पड़ फाड़ के दक्षिणा देंगे, और पंडित जी की कुटिया में तीन दिन से बैठा हूं आंखें बंद करके, ना आ रहा हूं ना जा रहा हूं, किसी को घुसने भी नहीं दे रहा, वो छप्पड़ फट ही नहीं रहा। हनुमान जी ने बोला एक बात बता पागल आदमी, हमने पंडित जी के लिए छप्पड़ फाड़ने की बात कही थी, तेरे लिए छप्पड़ फाड़ने की बात थोड़ी कही थी। तो बताओ भगवान के लिए, पंडित जी के लिए छप्पर फटा के नहीं? तेरा महल बनाया तूने, मेहनत तूने की, सब मिल गया उनको, और तू आ गया झोंपड़ी में, तो छप्पर पंडित जी के लिए फाड़ना था, तेरे लिए नहीं। इसका मतलब हनुमान जी कथा सुनते हैं, इसका मतलब है राम जी कथा सुनते हैं। ये उदाहरण मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे भी सातवें दिन छप्पड़ फटवाना है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि भगवान भी कथा सुनते हैं, अगर उन्हीं को वो कथा सुनाई जाए और उनको कह दिया जाए कि आप कथा में पधारो। और अयोध्या में तो मेरे प्यारे राम जी माँ जानकी के सहित कथा सुनेंगे ही, हनुमान जी तो सुनने आ ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस भाव से आप यहाँ बैठकर कथा सुने कि यहाँ पर भगवान कथा श्रवण कर रहे हैं। सारम ही भागवत मिश्रते, सभी वेदों का सार है भागवत, और इस भागवत को जो श्रवण करता है उसका कल्याण बहुत ही सहज में हो जाता है, बहुत ही आनंद प्रद ये ग्रंथ है। भागवत की शरण में आने का मतलब ही है जन्म जन्मांतर से मुक्ति। जो जीव हमेशा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है, अगर सच्चे मन से भागवत सुने तो उसका कल अप्रमाण। वही बात अभी आ जाती है जो हमारे राज्यपाल महोदय कह रहे थे, सुने और सुन के निकाल दे उसे तो क्या मिलेगा वो भगवान जाने, लेकिन सुने और सुन के निकाले नहीं बल्कि जीवन में उतार ले उसे तो इतना मिल जाएगा मेरे प्यारे जिसकी कोई कल्पना नहीं, कोई कल्पना नहीं। जो कथा को सुने और जीवन में उतारे, अपने जीवन में धारण करे, क्योंकि जब तक धारण नहीं करोगे, धार्यति इति धर्मः, जो धारण किया जाए जीवन में उतार लिया जाए उसे धर्म कहते हैं। तो इस धर्म को जीवन में उतारो, इस भक्ति के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो, बुढ़ापा तो किसने देखा है, आज आपका समय अच्छा है। सूत जी महाराज ने जब कहा कि तुम्हें भागवत सुनाता हूं, तो स्वर्णकादिक ऋषियों ने कहा महाराज इस भागवत का महात्म क्या है, जरा कृपा करके बताइए। तो भागवत का महात्म क्या है ध्यान पूर्वक सुने। एक समय की बात है, देवऋषि नारद भ्रमण करते हुए अनेकों तीर्थों में, श्रीरंगम सेतु बंधनम, मैं ध्यान चाहूंगा आपका, मानव जीवन मिले तो कभी भी तीर्थ करना मत भूलो, तीर्थ में जाकर आप निष्पाप होते हो। तीर्थ में किया हुआ पाप बहुत बड़ा होता है, फिर वो वज्र पाप हो जाता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए तीर्थ में कोई पाप मत करना। तीर्थ में सिर्फ कर्म करो, अच्छे कर्म करो, धर्म करो, पाप नहीं करना, पाप बिल्कुल भी नहीं करना। यहां हम और आप पाप काटने के लिए आए हैं, पाप बढ़ाने नहीं। कौन कौन आया है पाप काटने बताओ,
अयोध्या से बाहर से कौन कौन आए हैं? नहीं? अच्छा नीचे करो, अयोध्या से कौन कौन आए हैं? कौन कौन चाहते थे कि हम अयोध्या में आके कथा सुनाए? अयोध्या वाले, सिर्फ अयोध्या वाले। आप सबके हृदय की बात को महाराज श्री ने जान लिया था, इसीलिए महाराज श्री ने हमको यहां बुलाया। कितने लोग थे जो यहां से जाते थे, महाराज आप अयोध्या में नहीं आते, आप हर जगह जाते हो, अयोध्या में क्यों नहीं आते? कौन कौन गए थे शांति सेवा धाम, जिन्होंने कहा था कि आप अयोध्या में क्यों नहीं आते? बहुत लोग थे, लेकिन देखो ना, आपने नहीं कहा और हमने भी नहीं कहा, पर महाराज जी तो जान गए और महाराज श्री ने जानकर आपके और हमारे मन की बात को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट कर दिया। और आज हम भाग्यशाली हैं कि अयोध्या में कथा श्रवण कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तीर्थ में जाना मानव जीवन के सभी पापों का, कहते हैं जितने भी बार आप तीर्थ में जाते हो, साल में कम से कम 2-4 बार जरूर जाओ तीर्थ में, किसी भी तीर्थ में जाते हो आपके पाप कट जाते हैं, लेकिन वहां की वो पाप कहीं नहीं कटते हैं, इसलिए तीर्थ में कोई पाप मत करना। जो बाहर से आए उन सबसे आग्रह कर रहा हूं। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते इस दुनिया का दृश्य देखते देखते हिमालय की कंदराओं में पहुंचे, तो सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने पूछा कि आपका मुख क्यों कुमलाया हुआ है, आपका मुख मंडल क्यों मुरझाया हुआ है? तो उन्होंने कहा महाराज मैं भ्रमण करता हुआ वृंदावन गया और वृंदावन में मैंने जाके एक दृश्य देखा कि जमुना के तट पर एक नवयुवान स्त्री रो रही है, उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हुए हैं, अनेकों स्त्रियां उसे धैर्य बंधा रही हैं और वो नवयुवना स्त्री बड़ी जोर जोर से रो रही है। मेरा साधु हृदय है इसलिए मेरे मन में दुख हुआ और मैं सोचने लगा कि ये रो क्यों रही है। साधु कौन जो किसी का दुख न देख सके, राक्षस कौन जो किसी का सुख न देख सके? तुम में दोनों मौजूद हैं, तुमने किसको जगाया तुम यही समझ लो। जब तुम किसी के सुख को देख के परेशान हो जाओ तो समझना तुम्हारा राक्षस जागृत है, और जब किसी के दुख को देख के जागृत हो दुखी हो जाओ तो समझना कि तुम्हारे अंदर साधु जीवित है, तुम्हारा साधु बढ़ गया है, तुम्हारा साधु बड़ा हो गया है। मन में दोनों चीजें आती हैं, ज्यादा क्या आती है ये देख लेना, और कोशिश ये करना कि राक्षस मत बन जाओ, साधु ही बनना। अनंत श्री विभूषित महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के 78वें जन्म महोत्सव के उपलक्ष में 10 से 16 जून 2016 तक श्री मणिराम दास छावनी श्री अयोध्या में पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से संपन्न हुई श्रीमद् भागवत कथा 13 अगस्त 2016 से प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण करें। प्रिया कांत युग दर्शन करने वृंदावन जाएंगे, नंदलाला के जन्म दिवस पर बधाई गाएंगे। प्रिया कांत युग दर्शन करने